दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई www.lovetipsinhindi.com. चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल्स. हेलो दोस्तों, वेलकम टू लव टिप्स इन हिंदी डॉट कॉम. मैं हूँ जोगर राजा. अगर आपका पार्टनर आपको कहे बिना दूसरी लड़की से या दूसरे लड़के से शादी कर लेता है, तो ये प्रॉपरली वो आपको धोखा दे रहे हैं. और उसके बाद भी आप उस इंसान के साथ डेट कर रहे हो, आप उस इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में हो, कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये कन्फ्यूज़न होगी कि अगर उसने मुझे कहे बिना या मेरी परवाह ना करते हुए भी दूसरे इंसान से शादी कर ली, तो अब मुझे उस इंसान के साथ रिलेशन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए. आप उसके साथ रिलेशन इसलिए रख रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उससे ही प्यार करते हो और अपनी लाइफ में दूसरे इंसान को आप कभी प्यार नहीं कर सकोगे. तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि रियल में मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा डिसीज़न लेना चाहिए आपकी लाइफ के लिए, और आपके लिए बेस्ट डिसीज़न क्या है कि उस इंसान के साथ फिर भी आपको रहना चाहिए या आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहिए. जब उनको पता चलता है कि उसके पार्टनर ने उसको धोखा दिया है, तो मोस्ट ऑफ लोग मूव ऑन करके उसकी लाइफ से चले जाते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं. लेकिन बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाते और उसी इंसान के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं सिर्फ उन्हें प्यार करती हूँ और उसके बाद मुझे कोई ऐसा इंसान मिलेगा नहीं जिसके साथ मुझे प्यार होगा. तो ये गलत बात है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए. सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर उस इंसान ने आपके साथ रिलेशन में रहते हुए भी दूसरे इंसान के साथ शादी कर ली, तो यहाँ पे क्लियरली बात आपको समझनी चाहिए कि उस इंसान ने आपको धोखा दिया है. उस इंसान ने आपको धोखा दिया है, फिर भी आप उनसे अलग नहीं जा रहे, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत सारे रीज़न दिए होंगे, मजबूरियाँ आपके सामने रखी होगी. लेकिन एक बात तो ये क्लियर है कि उसने आपको धोखा दिया है, फिर भी आपको लगता है कि मैं इसके साथ रिलेशन में हूँ, शायद वो अपनी पत्नी को या अपने हस्बैंड को छोड़ के मुझसे शादी करेगी. तो ये आपकी बहुत ही गलत फहमी है, क्योंकि जो इंसान एक बार आपको धोखा दे सकता है, वो दूसरे इंसान को भी दे सकता है और आप दूसरी बार आपको भी दे सकता है, क्योंकि वंस अ चीटर ऑलवेज बी चीटर. इसलिए आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए. बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि शादी करने के बाद भी मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ रिलेशन रख रही, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ रिलेशन रख रही. लेकिन आपको क्या पता है कि शादी के बाद भी वो इंसान आपके साथ क्यों जुड़ा है? सिर्फ और सिर्फ वो इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहा है, आपके साथ सिर्फ और सिर्फ वो मजाक कर रहा है और कुछ नहीं है. क्योंकि आपको लगता होगा कि मैरिज के बाद भी वो आपको प्यार करता है और इस वजह से आपके साथ रिलेशन में, तो नहीं, आप बहुत ही ज़्यादा गलत फहमी में. उनको आपसे कोई लेना देना नहीं. रियल में अगर वो आपसे प्यार करता होता तो वो शादी आपसे करता. तो अगर आपके माइंड में कन्फ्यूज़न है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है और आप सिर्फ और सिर्फ उसे प्यार करते हो, इस वजह से उसकी शादी हो जाने के बाद भी आप उनके साथ रिलेशन में हो, तो आपको यहाँ पे मूव ऑन करना पड़ेगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा. क्योंकि यही रास्ता आपके लिए एक अवेलेबल है जो आपके लिए बेस्ट है. आप उनके साथ रिलेशन में हो तो आपको पूरी लाइफ वहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वही मिलेगा जो अभी इसी वक्त आपको उस इंसान से मिल रहा है. उससे ज़्यादा उम्मीद भी मत करना, क्योंकि ये अब रिलेशनशिप सिर्फ आप दोनों का नहीं रहा, यहाँ पे दो फैमिलियाँ है, उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड भी है. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मेरी लाइफ में एक बार ही प्यार आया था और इस प्यार को मैं छोड़ नहीं सकती, इस प्यार से मैं अलग हो नहीं सकती, क्योंकि इस जैसा इंसान शायद मुझे दूसरा मिलेगा ही नहीं. तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि इस वक्त आपको उस इंसान को छोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता होगा. बहुत सारे लोग कहते हैं कि नामुमकिन है, उसके बिना जीना ही नामुमकिन है. लेकिन दोस्त, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे कि जो जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसको धोखा भी मिला होता है, सुसाइड करने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन उसकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान, सही इंसान आता है तो उसकी लाइफ को सही बना देता है. सही इंसान को आपका वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी लाइफ में खुशियाँ, हैप्पीनेस, इम्पोर्टेंस, लव, ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाती है. आप इस मुकाम पे, इस समय से आप गुजर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होगा, लेकिन आपके जीवन में भी रोशनी हो सकती है, बस सही समय पे और सही इंसान के आने से. तो इस दुख से निकलिए, इस दलदल से निकलिए. अगर वो चाहता आपके लिए कुछ अच्छा करना, आपके रिलेशन के लिए कुछ बेटर करना, तो उन्होंने पहले भी कर लिया होता, लेकिन उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है. तो फिर से मैं कहना चाहता हूं कि वंस अ चीटर ऑलवेज बी चीटर. तो दोस्तों, आपके लव रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है और आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आपको मेरे ईमेल एड्रेस पे, मेरी वेबसाइट पे जो अवेलेबल है, वहां पे अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बात लिखनी है और उसके बाद आपको मुझे मेल करना है. दोस्तों, इस वीडियो के लिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें, और वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.